क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ कि राइमा के घर वाले सोचते होंगे कि हमने उनका साथ नहीं दिया। कसम से यार, गए इतने जोश के साथ थे और किया कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन उन्होंने भी तो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया ना। क्या कोऑपरेट करेंगे यार वो? यार एटलीस्ट ये तो बता सकते थे कि अगर उनको किसी पे शक है। अगर किसी पे शक ही नहीं है तो फिर हमें क्या बताएंगे? नहीं पता क्या, मैंने तो ये महसूस किया एंड आई डोंट नो कि अगर तूने नोटिस किया कि नहीं, लेकिन वो किसी से खौफजदा लगते हैं, जैसे कि किसी ने उनको थ्रेटन किया हो। इसकी वजह से वो खुद भी खामोश हैं, कुछ कर भी नहीं रहे और हमें भी दबे दबे रोक रहे हैं। नोटिस मैंने भी किया था, लेकिन सॉरी टू से यार, अगर तुम्हारे चाचा जान इन्वॉल्व हो जाए तो कोई बड़ा मसला नहीं था। सही बात, और यही मैं हार रहा। तुम्हें किसी पर शक है? क्या कह सकता हूँ यार, शायद कोई पुरानी दुश्मनी हो, कोई जायदाद का मसला हो, कोई रिश्ते का मामला हो। आई कांट से हैरत है यार, वजह जो भी हो कोई इस हद तक कैसे गिर सकता है यार? लोगों की बीवी बच्चों का लिहाज नहीं किया है। अरे तो शर्म का मुकाम, अफसोस होता है ऐसे लोगों। वो सब छोड़, अभी करना क्या है? नाश्ते पे क्यों नहीं आई? दिल नहीं चाह रहा था मेरा। मेरे बुलाने पे भी नहीं आई। खैर, रहमा आदत डालो ना इन सब चीजों की, अब तो हमेशा तुमने मेरे साथ रहना है। नॉर्मल करो ना ये सब। देखो ये जो मुलाजिम है ना, इनके सामने जरा ख्याल रखो, मैं अगर कुछ कहूं तो उसे इनकार मत करना। कोई ऐसा नहीं है जो मेरी हुक्म मदूली करे। देखो क्या है रहमा, रोती धोती औरतें नहीं अच्छी लगती हैं मुझे। सजी संवरी रहा करो और हसीन लगोगी। खैर एक बात याद रखना, ना इनकार पसंद है ना इंतजार, मैं जब भी बुलाऊंगा तुम आओगी। सुना, जल्दी तैयार हो जाओ, बल्कि बिल्कुल वैसे तैयार हो जैसे कल रात को तैयार हुई। जी भेजता हूं था आपको। अंकल किसी पे तो शक होगा आपको? जी नहीं, मुझे किसी पे कोई शक नहीं है। देखिए अंकल, मेरी थानेदार से बात हुई है, वो कह रहा था कि किसी की तरफ कुछ तो इशारा करें आप, इतने बड़े शहर में किस तरह ढूंढेंगे वो रायमा को? देखिए बेटा, अगर हमारी किस्मत में होगा तो वो हमें मिल जाएगी, हमें अल्लाह पे भरोसा है। होना भी चाहिए, लेकिन फिर भी आप पर किसी पे तो शक होगा ना? नहीं बेटा, मुझे किसी पे कोई शक नहीं है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ लाए, आपने तकलीफ की, हमारे दुख में शरीक हुए। अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, बस आगे अल्लाह को जो मंजूर। कल देखें आप हमें खुल के बताइए, प्लीज खुल के बताइए, आपको छुपा रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगा? देखिए अल्लाह तवक्कुल करना अच्छी बात है, लेकिन इस तरह आप... इसके कहने का मतलब ये है कि देखें आपसे अभी तक किडनैपर्स ने रब्ता नहीं किया है। उनके किडनैप करने का मकसद जो भी हो, रब्ता करना तो बनता है ना साथ। आप सोचे शायद घर पे किसी से झगड़ा हुआ हो। नहीं नहीं, घर पे किसी से झगड़े का कोई सवाल ही नहीं है। हारिस तो वैसे भी भूरबंद गया हुआ था और वो दोनों तो मुस्तकबिल के शरीक हयात हैं, और जहाँ तक ताल्लुक है हम दोनों मियाँ बीवी का,
तो हम दोनों मियां बीवी से वो बहुत मोहब्बत करती है, हमारी बड़ी इज्जत करती है। हारिस का है? नहीं है, वो भी तलाश कर रहा है उसे। इनफैक्ट वो थाने भी गया था लेकिन उन लोगों ने पर्चा नहीं काटा। तो उसको हमारे साथ भेजे ना आप थाना, हम जाएंगे वहां, हम बात करेंगे, कुछ प्रेशराइज करेंगे। जी नहीं, मैं उसे अब दोबारा थाने नहीं भेजूंगा। देखिए अंकल, आप हमसे खुल के बात नहीं कर रहे, आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। बेटा मेरे ख्याल आप लोगों को अब चलना चाहिए, हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। देखिए अंकल, अगर हम खुदा का वास्ता,